एक बार भक्त श्री कबीर जी के शिष्य भक्त कबीर जी से कहते हैं कि हे परम ज्ञानी, हे गुरु, हमें आपसे एक विनती करनी है। श्री कबीर जी ने कहा, क्या बात है? तो उनके शिष्यों ने कहा कि आप तो इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, आपकी महिमा तो अब चारों ओर है। आपने जो किया वो किसी से छुपा नहीं है। आपको मिलने के लिए भी बड़े बड़े ज्ञानी लोग आते हैं, फिर आप यह जुलाहे वाला काम छोड़ क्यों नहीं देते? अब आपको इसकी क्या आवश्यकता है? आप हमारी विनती स्वीकार करें और यह काम छोड़ दें। वहां पर खड़े कुछ और लोगों ने भी कहा कि यह बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी, आपको जो चाहिए हमें कहें, हम ला के देंगे, आप अब यह सब छोड़ दो। तो श्री कबीर जी ने कहा कि कैसे छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं इस काम को जो काम काम नहीं बंदगी है। मेरे हर ताने बाने में उसका नाम है, मैं काम को कैसे छोड़ सकता हूं? और मैं तो एक छोटा सा जुलाहा हूं। उस मालिक की तरफ देखो जो सबसे बड़ा जुलाहा है। सभी ने आश्चर्यजनक होकर पूछा, परमात्मा जुलाहा है? श्री कबीर जी ने कहा, हाँ, मैं तो नदना सा जुलाहा हूं, मगर वो तो बहुत बड़ा जुलाहा है। मैं तो दिन में काम करके रात को सो जाता हूं, मगर वो जुलाहा तो दिन रात काम करता है। हर वक्त उस जुलाहे की कंघी चलती रहती है। भक्त कबीर जी की बाणी जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है, उसमें फरमाते हैं कि कोरी को काहू मर्म न जाना, सब जग आण तनायो ताना रहा। कोरी का अर्थ है जुलाहा, वो परमात्मा जो सबसे बड़ा जुलाहा है। काहू मर्म न जाना, उस जुलाहे का किसी ने भी भेद नहीं जाना। सब जग आण तनायो ताना, श्री कबीर जी फरमाते हैं कि मेरे काम का भेद तो जाना जा सकता है, मगर उसका भेद जानना बहुत कठिन है। उसका ताना बाना तो हर जगह है। हमारा शरीर, इसके अंदर भी तो ताना बुना हुआ है। हमारे शरीर की हड्डियों का ताना बाना और हमारे अंदर अंतड़ियों का क्या खूबसूरत ताना तना हुआ है। और ये चांद, सूरज, ये तारे, ये सब उस मालक जुलाहा का ही तो बना हुआ है, और वह इसे बनाता ही जा रहा है। जब वह इतना बड़ा जुलाहा अपना काम नहीं छोड़ता, तो मैं जुलाहे का काम कैसे छोड़ दूं? आप सब मेरी भी विनती स्वीकार करो, मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। और मैं आप सबको भी यही कहना चाहता हूं कि प्रभु की बंदगी के लिए कभी काम मत छोड़ो, और काम करते हुए बंदगी को ना छोड़ो। काम आप कोई भी करो, उसमें परमात्मा को लेकर आओ। आपके छोटे से छोटे कार्य में भी प्रभु का नाम होना चाहिए। हर एक ताना तनते समय उस मालक को याद रखें, फिर देखो कैसे काम में आनंद बनता है। फिर कभी भी तुम्हारा मन काम से जी नहीं चुराएगा। जब काम ही भगवान बन जाएगा, जब काम ही प्रार्थना बन जाएगी, तो फिर कोई काम छोटा बड़ा नजर नहीं आएगा। किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझो, काम को पूजा पाठ की तरह करो। दिल लगाकर, शांत चित्त होकर और ये सोचकर कि जो सामान मैंने तैयार किया है वो बनवाया भी उस मालक ने खुद ही है, और जिसको देने जा रहा हूँ वह भी उस मालक का ही रूप है, फिर तुम्हारे काम में कभी मिलावट या धोखाधड़ी नहीं आएगी। अंत में पाई जोर बात इक कीनी, तह तांती मन माना, जुलाहे कर अपना चीना, घट ही राम पछाना। अर्थ, जुलाहे पायदान की जोड़ी उस जुलाहे प्रभु ने जगत की जन्म मरण की खेल रच दी है, यानी उसके ताने बाने में ही सब कुछ है। और मुझ जुलाहे का मन उस प्रभु जुलाहे में टिक गया है जिसने ये खेल रची है। मुझ जुलाहे ने उस जुलाहे प्रभु के चरणों में जुड़ के अपना घर ढूंढ लिया है, और मैंने अपने हृदय में ही उस परमात्मा को बैठा पहचान लिया है। धन्यवाद। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।